हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजली में। आज मैं जो पोएम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है सोलिलोक्वी ऑफ द स्पेनिश क्लोस्टर, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 1812 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1889 में हुई थी। यह इंग्लिश पोएट थे और विक्टोरियन पोएट भी थे। जो टाइटल है हमारे पोएम का, सोलिलोक्वी ऑफ द स्पेनिश क्लोस्टर, इसका मतलब होता है कि सोलिलोक्वी का मतलब होता है कि आत्मभाषण, मतलब खुद से बात करना। तो यहाँ पे खुद से कोई बात कर रहा है वो स्पेनिश क्लोस्टर है। क्लोस्टर हम बोल सकते हैं किसी मठ का प्रिस्ट या मठ का प्रिस्ट बोल सकते हैं। तो कोई मठ है, कोई क्लोस्टर है, स्पेनिश क्लोस्टर है, वो आत्मभाषण देता है। हम चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा की ओर, जो कि है फर्स्ट स्टैंजा में वो स्पीकर, जो स्पेनिश क्लोस्टर रहता है, वो इतने गुस्से में रहता है कि वो ना कोई एक वर्ड स्टार्ट कर पाता है। वो एक साउंड से स्टार्ट करता है पोएम और वो रहता है ग्र। फिर वो कहता है, वो देखता है कि कोई एक इंसान है जो फ्लावर पॉट में पानी दे रहा है, और वो कहता है कि ये जो उसके दिल का सबसे एबोरेंस, एबोरेंस मतलब हैट्रेड, सबसे नफरत भरा चीज है, सबसे नफरत भरा वो आदमी है। फिर वो कहता है कि अगर गॉड का ब्लड, गॉड ब्लड ब्लड यहाँ पे एक ओथ की तरह यूज किया जा रहा है, जैसे अभी हम यूज करते हैं आई स्वेयर। तो वो कहता है कि अगर गॉड ब्लड अगर नफरत ब्रदर लॉरेंस को मार सकता था, तो फिर उसको कुछ भी नहीं लगेगा तो उस ब्रदर लॉरेंस को मारने में। तो वो ब्रदर लॉरेंस को देख के ही इतना नफरत करता है, उसको देख के ग्रूर साउंड निकालता है। फिर वो कहता है कि ब्रदर लॉरेंस को कि जो तुम मेटल बुश को ट्रिम कर रहे हो, जो मेहंदी के बुश को ट्रिम कर रहे हो, उससे ज्यादा जरूरत रोज के पत्तों को है, उसको ट्रिम करने का ज्यादा जरूरत है। और फिर कहता है कि जो लिडन वैस है, ग्लास का वैस है, उसमें पानी डालने की जरूरत है। और स्पीकर कहता है ब्रदर लॉरेंस को कि तुम नरक में जाकर तुम जल जाओ। सेकंड स्टैंजा में देखते हैं कि स्पीकर कहता है कि वी सिट टुगेदर, मीन्स स्पीकर मीन्स क्लोस्टर लोग और विद ब्रदर लॉरेंस, वो लोग साथ में बैठा बैठे रहते थे मील के टाइम पे। स्पीकर सुनते थे कि स्लैब टीवी, स्लैब टीवी का मतलब होता है हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। और यह जो स्पीकर सुनते थे वो ऑफ कोर्स ब्रदर लॉरेंस के बारे में बता रहे, तो ब्रदर लॉरेंस से ही सुनते थे। और जो स्पीकर ऐसे सुनते थे कि वो बहुत ही वाइस टॉक सुनते थे, वेदर के बारे में, सॉर्ट ऑफ सीजन के बारे में, ईयर के बारे में, फिर प्लेंटियस कॉर्न क्रॉप के बारे में, फिर ओक गर्ल्स के बारे में। ओक गर्ल्स एक प्रकार का बीमारी था जो कि ओक के पत्तों से हुआ करता था, तो उस टाइम ये बीमारी ज्यादा हो रहा था। तो ये सारी बातें वो ब्रदर लॉरेंस से सुना करते थे, वो एक तरह का वाइस टॉक उनको लगता था। फिर वो कहते थे, और फिर ब्रदर लॉरेंस है वो लेटिन भाषा में बहुत सारे पार्सली वगैरह पत्तियों वगैरह का नाम वो बोला करते थे। उसके बाद जो स्पीकर है वो ऐसा ब्रदर लॉरेंस को जानबूझकर पूछते थे कि ग्रीक स्वाइन स्नाउट का ग्रीक नेम क्या होगा। यहाँ पे जो स्वाइन है वो पिक पिक पे डिनोट करता है, मींस पिक फेस का ग्रीक नेम क्या होगा। और हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली ब्रदर लॉरेंस को कह रहे हैं कि उनका फेस पिगी फेस है। फिर हम थर्ड स्टैंजा की ओर चलते हैं और वहां पे कहता है कि वी ऑल हैव आवर प्लेटर बर्नेस। यहाँ पे जो जो क्लोस्टर है वहां पे सब लोग को एक काम करना पड़ता है, अपना काम खुद से करना पड़ता है। तो उन लोगों को प्लेटर पॉलिश करना पड़ता था और फिर उन्हें बहुत ध्यान से सेल्फ में रखना पड़ता था। जहाँ पे प्लेटर का जगह होता है वहां पे रखना पड़ता था। उन लोग को न्यू एकदम ब्रांडेड न्यू स्पून मिलता था और एक गॉबलेट मिलता था। गॉबलेट क्या होता है, एक काइंड ऑफ ग्लास रहता है, तो जो उन सबको मिलता था उन लोग को धोना पड़ता था। बट जो ब्रदर लॉरेंस है वो ऐसा ये सारी चीजों को धोते थे जैसे सारा उनका चीज है, जैसे उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वो बहुत ही टाइम लगाता था। फिर कहता है कि जो ये जो गॉबलेट है वो हमारे लिप को जो टच करता है वो इतना वर्दी नहीं है। और लास्ट में वो मार्क्ड विथ एल फॉर आर इनिशियल। एल यहाँ पर खुलेआम जो स्पीकर है लॉरेंस की और हमला कर रहा है कि लॉरेंस जो गॉबलेट को अपने लिप में टच करता है वो उसके लायक नहीं है, वो गॉड के वर्दी है जो गॉबलेट।
स्टैंजा की ओर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पीकर कहते हैं सेंट फॉरसूथ इंडीड, मतलब सच में तुम सच में सेंट हो, क्योंकि जो डॉलर्स है और सेंचिचा, यहाँ पे दो औरतें हैं, दो नन है पास के ही कॉन्वेंट से, पास के ही कॉन्वेंट से। तो फिर वो लोग कॉन्वेंट बैंक के पास आके बात कर रही है, एक दूसरे को स्टोरी बता रही है और अपने हेयर को वॉश कर रही है। तो उस टाइम क्या होता है, जो ब्रदर लॉरेंस है उनको अप, वो उन्हें बहुत ही घूर कर देखते हैं, और यहाँ पे जो स्पीकर है ब्रदर लॉरेंस को बारबरी फॉर्सियर से कंपेयर करता है, जो एक नॉर्थ अफ्रीकन का डकेत रहता है, समुद्री डकेत रहता है। स्पीकर कहते हैं कि जब रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मील को कहा गया है, जब ब्रदर लॉरेंस अपना मील को फिनिश करता है तो अपने नाइफ और फॉर्क को नीचे रख देता है, और वो अपने नाइफ और फॉर्क को क्रॉसवाइज में नहीं रखता है जैसा कि स्पीकर करते हैं जेसु के प्रेज के लिए। और यहाँ पे कहते हैं कि जो ड्रिंकिंग, जो ऑरेंज का जूस होता है उसको 3 सिप में पीना चाहिए, ऐसा ऐसा स्पीकर करता है, बट ब्रदर लॉरेंस एक बार में ही वो सारे ऑरेंज जूस को पी जाते हैं। यहाँ पर जो 3 सिप्स में ऑरेंज जूस को पीना होता है, वो कह सकते हैं कि एक एरियन था जो ट्रिनिटी डॉक्टर डॉक्टरिन डॉक्टराइन ऑफ ट्रिनिटी पे बिलीव नहीं करता था, तो इस कारण लोग ऑरेंज जूस को 3 सिप में पीते थे, जैसे एरियन को हराना होता है, इस कारण उन्हें ऐसा पीना पड़ता था, बट ब्रदर लॉरेंस ऐसा नहीं करते थे। जब में स्पीकर कहते हैं ब्रदर लॉरेंस से कि उनका मेलन गार्डन में कब आ रहा है, कब ग्रो कर रहा है, तो ब्रदर लॉरेंस कहते हैं ये अच्छी बात है अगर वो ग्रो करे, अगर वो ग्रो करता है तो वो सारे मॉन्क को दावत देंगे। और फिर बट ऐसा नहीं होता है, एक एक मेलन एबॉट एबॉट जो मॉनेस्ट्री के हेड रहते हैं उनके टेबल पे जाता है, और एक एक स्लाइस सारे मॉन्क को मिलता है। फिर स्पीकर कहते हैं स्पीकर पूछता है ब्रदर लॉरेंस कि तुम्हारा फ्लावर कैसा बढ़ रहा है, उसका दो सर तो नहीं हो गया ना, वो सरकाजम में ऐसा बोलता है। जब हम देखते हैं कि स्पीकर रेफर करता है एक बुक को, गैलेटियंस। गैलेटियंस एक बुक है क्रिश्चियन न्यू टेस्टामेंट का, जो जो 29 डिफरेंट वेज बताता है कि कैसे कोई नर्क में जा सकता है। और यहाँ पे स्पीकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि वो कैसे 29 जो डिफरेंट वेज है यूज करे और फिर ब्रदर लॉरेंस को नरक में भेजे, और डेथ के पहले ही उसको नरक में भेजना चाहता है। और वो डिस्कवरी करने लगता है, एक ट्रिक ढूंढने लगता है कि जो ब्रदर लॉरेंस को एक विधर्मी बना दे, कोई कोई वो पाप कर बैठे जो धर्म के विरुद्ध हो। इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि जो स्पीकर है दूसरा वे फाइंड करते हैं जो ब्रदर लॉरेंस को एक ट्रबल में ला सकते हैं। उन वो ट्रिक लगाते हैं कि एक स्कॉर्फ्यूलस फ्रेंच नॉवेल, जो कि बहुत वो मॉरली करप्ट नॉवेल है, हम एसोसिएट कर सकते हैं कि वो सेक्सीनेस के साथ जुड़ा हुआ है वो नॉवेल, और वो बैड मॉरल देता है। स्पीकर का जो डर्टी नॉवेल है वो ग्रे पेपर का है, और अगर कोई एक बार देखता है तो बार बार उसे पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। और स्पीकर कहता है कि बस देखने से उस नॉवेल में कोई भी डेविल के ग्रिप में आ सकता है, कोई भी डेविल के अंडर आ सकता है, वो एक सिन कमिट कर देगा। फिर स्पीकर इमेजिन करते हैं कि जैसे हम लोग पेज टर्न करते हैं उस नॉवेल का, वो बहुत ही नॉटी पार्ट है 16th प्रिंट में, और वो स्पीकर यह जो बुक है वो ब्रदर लॉरेंस के चलनी में छिपाना छिपाने का प्लान करते हैं, क्योंकि जब ब्रदर लॉरेंस एक प्लम है, ग्रीन गेक्स अ काइंड ऑफ रिलेटेड टू प्लम है, जब वह उसे गैदर करने आएगा वो चलनी उठाएगा, जब चलनी उठाएगा तो ऑफ कोर्स ब्रदर लॉरेंस वह जो बुक है नॉवेल है उसको देखेगा, तो उसका ध्यान पड़ेगा, तो फिर ऑफ कोर्स वो बहुत ही बड़ा सिन कमिट करेगा। हम स्टैंजा 9 और हमारे लास्ट स्टैंजा पोएम की ओर देखते हुए देखते हैं कि जो स्पीकर है यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बहुत सारा चीज सर्च किया था कि जो ब्रदर लॉरेंस को हेल की ओर लेके जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो लास्टली एक पैक्ट एक डील करते हैं सैटर्न के साथ, और वो जानता है कि जितना भी उसका काल्पनिक डील था वो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वो डेविल के साथ डील करता है
और वो यह भी जानता है कि कुछ भी कर ले, ब्रदर लॉरेंस कहीं ना कहीं बाद में सेफली निकल जाएगा, वो एक बचाव का रास्ता ढूंढ लेगा, लूपहोल उसको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और वो लास्ट में वो कहते हैं कि जो उनका सोल है वो प्लेस करता है डेविल को जब तक रोज एकेकिया ब्लास्ट नहीं कर जाता है। यहाँ पे जो रोज एकेकिया है वो काइंड ऑफ फ्लावर श्रब है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो स्पीकर ब्रदर लॉरेंस है, स्पीकर यहाँ पे ब्रदर लॉरेंस को कह रहे हैं, रोज एकेकिया रेफर कर रहे हैं क्योंकि ब्रदर लॉरेंस बहुत ही उत्सुक गार्डनर है, इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि जब तक ब्रदर लॉरेंस ब्लास्ट ना कर जाए, जब तक वह हेल्प पे ना चला जाए, तब तक वह सोल को प्रे करेंगे। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि कुछ अजीब सा वर्ड है, हाय जाई हाय समथिंग, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मे बी इवनिंग बेल का बेल बजाओ प्रेयर के लिए, और इसके कारण उनको जाना पड़ रहा हो स्पीकर को, इसलिए फिर से वो गुर्र करते हैं और यू साइन कहते हैं, यू स्वाइन कहते हैं, स्वाइन का मतलब फिस, और वो अपना जो ये आत्मभाषण है यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज गिव फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस पोएम प्लीज लाइक माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।